अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज दोस्तों आपके लिए एक बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है हारमोनियम कीज़ बनाने के रिलेटेड। ये कोई बंदा नहीं सिखाता, कोई बंदा नहीं बताता है कि ये कैसे बनाई जाती है, इसकी वुड को कैसे जोड़ा जाता है, किस इसका रुख क्या होता है और इसको कटिंग कैसे किया जाता है। ये सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में मिलेंगी और इसको कील कैसे बेसिक लगाया जाता है और इसके होल्स कैसे किए जाते हैं, वो सारी चीज़ें इसमें आपको मिलेंगी। यानी ये एक बिल्कुल इंटरेस्टिंग टॉपिक है और सबसे सेंसिटिव हिस्सा होता है ये हारमोनियम का, और इसको बनाने का आपको तरीका टोटल इस वीडियो में मिलेगा। तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। जो भी दोस्त हारमोनियम मेकिंग में इंटरेस्टेड हैं या बनाना चाहते हैं या शौक़ से बनाना चाहते हैं, वो लाजमी हमारी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। जी दोस्तों, अगर आपको अपनी मर्ज़ी का हारमोनियम बनवाने का शौक़ है, कोई डिज़ाइन आपके जहन में है, कोई भी आपको यानी इसके रिलेटेड कोई सामान चाहिए हो, कोई चीज़ बनवानी हो या कोई डिज़ाइन नया आपके दिमाग में हो, हमें बताएं आके। आपकी मर्ज़ी का भी काम हो सकता है, कीज़ बड़ी छोटी भी हो जाती हैं, इनका साइज़ अप डाउन भी हो जाता है। इसमें एक कपलर का ऑप्शन होता है, वो भी अगर दोस्तों को शौक़ है सीखने का, मेकिंग में इंटरेस्टिंग जो रखते हैं हारमोनियम मेकिंग में, वो हमें बताएं, उसके रिलेटेड भी हम वीडियो बनाएंगे। दोस्तों हम जो जॉइंट लगा रहे थे ना कीज़ के लिए, ये जो कीज़ बनती हैं, ये दिखाना इधर, ये वाली जो कीज़ बनती है ना, इसके लिए हमने ये जॉइंट लगाए थे। यानी ये फट्टी का असल रुख होता है ये वाला, ये यानी असल रुख है फट्टी का, और इसको हमने ऐसे करके एक साइज़ बना के, यानी ऐसे रुख करके ऐसे जॉइंट लगेंगे साथ साथ। ये देखें जैसे ये वाले लगे हुए हैं, ये देख लें, ठीक है। और इसका बाद में यहाँ से साइज़ करके फटी का इसकी मोटाई कितनी रखनी चाहिए, कोई आधी इंची रखता है, कोई 370 रखता है, बाकी हर किसी का अपना अपना साइज़ के हिसाब से है, ठीक है सर। और इसको ये वाला बादाम हम देते हैं बाद में, ये देखें ये एक बादाम दिया जाता है, ठीक है। फिर ये खूबसूरती के लिए दिया जाता है, ना भी दें तो कोई इशू नहीं है। और इसके बाद इसके ऊपर ये प्लास्टिक का पीस पेस्ट किया जाता है, जिसको हम सलोलेट भी बोला जाता है, ये देखें वाइट वाला, ठीक है। ये ऐसे पीस कंप्लीट हो गया, अब इसके ऊपर इसकी निशान वगैरह लगाएंगे हम, ये देखें ये ऐसे इसको गुनिए में कर लिया जाएगा और यहाँ पे रख के ऐसे, इसको डिवाइड भी बोला जाता है जी। दोस्तों ये इसका जो सेंटर है ना, ये दोनों होल्स का, ये दरमियान में जो डिफरेंस है, इसका दरमियान रख के ये निशान लगाया जाता है, ठीक है। ये सब को डिवाइड कर लेना है इक्वल। ये दोस्तों ये देखेंगे निशान सारे खींचे गए, और इसके बाद इसको गुनिए की मदद से कंप्लीट निशान लगा लिया जाता है।
ये देखिए। दोस्तों ये देखिए हम निशान लगा रहे हैं, तकरीबन कंप्लीट होने वाले हैं। ये देखें दोस्तों, पहले हमने वुड पे निशान खींच लिए, अब ये प्लास्टिक के ऊपर है, ठीक है। ये इसकी पूरी ड्राइंग करके इसके बाद इसकी कटिंग होगी। ये दोस्तों देखें, इसमें ना अब ये वाइट कीज को ना ब्लैक के साथ डिवाइड किया जाएगा। दोस्तों अब हमने ये ड्राइंग मुकम्मल कर ली है, ये देख लें इसमें ये ब्लैक हैं दो, और ये तीन ब्लैक हैं, और ये वाइट की सारी डिवाइड है, ठीक है। अब ये वाले टक दिए जाएंगे आगे वाले कील वाले, ये देखिए। ये देखें ये ऐसे टक दिया जाएगा, ये सारे टक आएंगे ऐसे। ये लें दोस्तों, ये कंप्लीट हो गए हैं सरा। अब इसमें से ये ब्लैक कीज निकलेंगी यहाँ पे। ये दोस्तों अब ये कील लगाए जाएंगे एक तरतीब के साथ, ये जैसे स्टॉक हुए हैं
और ये जैसे आरी के साथ पहले टक दिए, ये देखो ये देखें दोस्तों, ये कील आगे वाले भी, इनके भी सर काट दिए। अब इनकी थोड़ी सी अलाइनमेंट की जाएगी, यहाँ से देखें इनको अब सीधा किया जाएगा, ऐसे भी सीधा किया जाएगा और ऐसे भी। जी दोस्तों, अब ये देखें, अब इसका कटिंग का प्रोसेस शुरू होगा। ये जो निशान हमने लगाए थे ना, ये वाले, अब इसको हमारी की मदद से काटेंगे। ये देख लें, ये सिंपल एक आरी होती है और इसको सिर्फ तेज़ करने का चक्कर है सारा। जिसको तेज़ करनी आती है वो बंदा अच्छी कटिंग कर लेगा, और जिसका हाथ अनबैलेंस है उसकी कटिंग नहीं सही होगी। ये देख लीजिएगा ज़रा, बिस्मिल्लाह। ये दोस्तों, एक ही बार में सारी कटिंग नहीं करने, या ऐसा ऐसा यहाँ निशान लगाते जाना, आरी के बाद में इनको काट लेना है। ये देखिए, ये देखिए दोस्तों, ऐसे इसकी कटिंग हो जाएगी, ये सारी यहाँ तक कटिंग हो जाएगी, और उसके बाद ये कटिंग अलग से होगी, ये भी आरी के साथ ही होगी। दोस्तों ये देखें, इसकी कटिंग अब कंप्लीट हो गई है, ये एक एक पीस है, ठीक है। और इसमें से ये ना काले निकल आए हैं, ये आपको दिखाते हैं, ये सारे काले पीस हैं, ये ऐसे यहाँ से आएंगे। अब इसके बाद यहाँ से ये राउंड होगा, वो आपको दिखाते हैं।
दोस्तों ये जो हम कीज बना रहे थे ना, ये अब कंप्लीट हो गई हैं। ये देख लें, ये आपको रैपर उतार के दिखाते हैं इसका फाइनल का। ये देखिए, ये देखें दोस्तों, ये अब एक फाइनल प्रोडक्ट है। दोस्तों ये एक ब्लैक कीज होती हैं, इसके अंदर लकड़ी की, वुड की, आजकल प्लास्टिक की लग रही है लेकिन ये वुड की बनी हुई है। अगर किसी दोस्त को इसके रिलेटेड वीडियो चाहिए कि ये कैसे बनती है, ये ऊपर वाला इतना हिस्सा सिर्फ, ये वाली ब्लैक कीज ये ऊपर अलग से लगती है, ठीक है दोस्तों, तो हमें इसके बारे में कमेंट करें कमेंट बॉक्स में, ताकि हम इसके रिलेटेड वीडियो बनाएँ कि ये कैसे बनती है। मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।